तो दोस्तों, मैं हूँ आपका उस्ट एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो की अचीवर वर्सेस बजाज पल्सर 125 के बीच में हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो, बजाज पल्सर जो है वो 125 cc में वो DTSI इंजन होगा, उसके अंदर 11.8 BHP की पावर निकलेगी एट द रेट 8500 RPM पर। 11 Nm का टॉर्क मिलेगा एट द रेट 6500 RPM पर। इंजन इसका काफ़ी सही रहेगा और जहाँ तक है पाँच गियर होंगे इस बाइक के अंदर। कर्व वेट जो निकला है 140 किलो का इसका कर्व वेट निकलेगा। अब यही पे अगर हम बात करेंगे हीरो की अचीवर की, तो देखो हीरो की जो अचीवर है ये मैं बाइक क्यों लेकर आया हूँ, देखो इसका लाने का रीज़न ये था कि ये दोनों बाइक ऑलमोस्ट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेम सी ही लगी। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या क्या फ़र्क है। तो देखो यार, ये 150 cc का इंजन है हीरो की अचीवर, 149.1 cc का इंजन है। इसके अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क निकल वो दिखा है 11.8 Nm एट द रेट 5000 RPM पर। मैक्सिमम पावर 13 BHP एट द रेट 8500 RPM पर निकलेगी, ठीक है। और बाकी नॉर्मल है, सेल्फ एंड किक स्टार्टर है, लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जो 125 cc की होने के बाद भी अभी तक इस बाइक के अंदर ABS नहीं दिया गया है। तो देखो यार, अभी कंपनी ने अच्छी तरह से बताया नहीं है कि इसमें 13 BHP की पावर आएगी या 11 BHP की पावर आएगी पल्सर 125 के अंदर। अगर पल्सर 125 के अंदर 13 BHP की पावर आएगी तो फिर दोनों बाइक तो सिमिलर ही रहने वाली है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि दोनों बाइकों का मुझे सेम लगा, इसलिए ये वीडियो बनाई। और अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी बाइक लेनी बेस्ट रहेगी, तो देखो अगर बात करी जाए रीसेल वैल्यू, तो रीसेल वैल्यू आपको बजाज पल्सर 125 की ज़्यादा मिलेगी अगर आप उसको इन फ्यूचर में बेचते हो। और रही बात अचीवर सही थी, लेकिन अगर अचीवर के अंदर ABS दे दिया जाता तो, वरना सही था। अगर ABS होती तो फिर अचीवर ही लेते, लेकिन अचीवर की मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत कम उसके पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन बजाज पल्सर 125 के आराम से मिल जाएंगे क्योंकि 180 के अंदर भी वही सब चीज़ लगी हुई है, पेट्रोल टैंक सब वही है, तो मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक को, शेयर को, सब्सक्राइब को, जो करना वो को लेकिन हमारे दिमाग मत खराब हो क्योंकि हम अवश्य दिमाग में खराब करने थे। ओके बाय।